Hi friends, a very good morning to you all, and I hope that you all are doing well. And welcome back to my channel, guys. After long time, so अभी सुबह हो चुकी है, हम सारे नहा चुके हैं और अभी लड्डू गोपाल के नहाने का टाइम हो चुका है. तो यहाँ मिनी मेरी हेल्प कर रही है लड्डू गोपाल को नहाने में, उन्हें रेडी करने में प्रोसेस बहुत मजा आता है. तो चलिए करते हैं. नहला रही है हमारे लड्डू जी को, हम उन्हें नहला रहे हैं क्योंकि नहाने का टाइम हो गया है. और आज हम उन्हें कौन से कपड़े पहनेंगे? पुराने कपड़े पहनेंगे ना, क्योंकि कल कलर लग जाएगा ना, कपड़े खराब हो जाएंगे, है ना. यस, इसलिए न्यू पहनेंगे कल. लड्डू गोपाल को फेस दिखाओ, ये देखो कितना मजा आ रहा है नहाते हुए. क्या हाल करना, मजा नहीं आया मुझे. एक फुटबॉल कहां गई? ये है लड्डू गोपाल की छोटी सी टॉवल, सो क्यूट. और हो गए हमारे लड्डू गोपाल रेडी. और इन्होंने हाथ में क्या लिया है? गिली गिली छू. मिनी इसको गिली गिली छू बोलती है, जो लड्डू गोपाल जी की फ्लूट होती है उसको गिली गिली छू बोलती है. तो चलिए बाकी काम करते हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं और उसके लिए जो चाशनी होती है वो बनाने के लिए मैंने पानी रख दिया है, उस पर चीनी डाल दिया है. और जब तक चाशनी रेडी होती है तब तक हम अपना बाकी का काम करते हैं. सो फ्रेंड्स, जब यहाँ हमारी चाशनी बन रही है और जब तक हमारी चाशनी बनती है तब तक हम अपना गुलाब जामुन का डो तैयार कर लेते हैं. तो सबसे पहले भाभी ने कहा कि हमें जो हमारा गुलाब जामुन मिक्स है उसको अच्छे से छान लेना है, जिससे उसकी सारी गंदगी बाहर निकल जाए और डो जो है वो आसानी से तैयार हो जाए. तो चलिए उसको शुरू करते हैं बिना देर किए. आइए हमारे साथ. पसीना अभी कैसा है ये, चलिए ना रहा. क्या मुसीबत, तो मेरे को लग रहा है आधा इसमें रह जाएगा. एक चम्मच मिलेगा हमें गुलाब जामुन करने के लिए. आपका हाथ गुलाब जामुन बनाने के लिए पहले आपके पास जो केक मिक्स है उसे छन्नी में से छान लें. केक मिक्स करो, दाल दाल तो मिक्स कर दो राइस के साथ. राइस तो डालो, डाल डालो. मैं डालती हूँ चम्मच से. डालो चलो खिलाओ भैया, वीडियो बन रही है. आर यू सीरियस? ओके, सिर्फ वेजिटेबल खिलाओ. वेजिटेबल कौन सा वेजिटेबल? खिला थोड़ा सा, खिला दो बस. हाँ ऐसे खिला दो, खिला दो, खिला दो. अरे वेजिटेबल तो लेती वेजिटेबल, चलो कोई बात नहीं. सो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल के खाने के बाद हम सबके खाने का भी टाइम हो गया है. और मैं तारक मेहता देखते हुए खाना खाना बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है. तो अभी मैं वही कर रही हूँ. तो खाना खा के फिर आगे काम शुरू करते हैं. कहाँ सूखा है? नहीं नहीं गीला हो गया शायद. और हमारे पास और एक्स्ट्रा है भी नहीं, अगर गीला हो गया तो इसे भी काम चलाना पड़ेगा. शिट, मुझे लग रहा है कहीं गीला हो गया. ये बार बार यही बोल रहे हो. और हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ है भी नहीं, अगर गीला हो गया तो. ओ भाई, हो गया गीला? मुझे लग रहा है गीला हो गया. ओ माय गॉड, तो हम हमारा आटा फ्रेंड्स गीला हो गया है. और प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक्स्ट्रा है भी नहीं कि हम इसमें डाल के इसको सही कर सकें. मतलब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, इसमें कुछ ना कुछ हम कलाकारी करेंगे. गुलाब जामुन तो बना के रहेंगे. कुछ तो बनेगा. कुछ तो बनेगा. चाशनी तो बन रही है, अब इसको मैं ट्राई करती हूँ, देखती हूँ सुधर सकता है कि नहीं सकता है.
आटा डाल दो ना, आटा मैदा जो डालते हो। ये मिनी है, ये मैं और ये पार्टी क्या। अरे वो आटा डालता है वैसे, तुम से पता नहीं आ रहा दोनों को डाल रहा हूं। नहीं सही है, मतलब नहीं हां मिनी खाती है थोड़ा प्रॉपर शक्ति का एक्सपेरिमेंट बना रही हूं तो भी बुझो। अब शेफ टाइम का टेस्ट भी आ गया, बस बात है फिर लोग बाहर से बना रहे हैं। अभी बेकरी खोल लेना, उसमें केक गुलाब जामुन डाल देना। यस फर्स्ट टाइम ट्राई करियो अपनी खुद की अकल से। अभी क्या बनता है, कैसे बनता है, नो आईडिया अबाउट इट। यो बेस तो हम बना रहे हैं गुजिया का, क्या बोलते हैं इसको, गुजिया का फिलिंग। तो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं मुझे नहीं पता, बस बना रहे हैं। तो हम अभी गुजिया का फिलिंग बना रहे हैं, स्टफिंग बना रहे हैं उसकी। और मैं सूजी रोस्ट कर रही हूँ, ड्राई फ्रूट भाभी काट रही हैं, बाकी का काम भाभी करेंगी, मैं बस सूजी रोस्ट करके उनको दे दूंगी। वाह वाह वाह, फिर वो कैसी बनेगी, क्या बनेगी, नो गारंटी। वो जो बना रहा कुछ तो बन के निकलेगी। ये देखो इधर मगरमच्छ का मुंह। सो हमारी कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल पसीना पसीना हो चुके हैं। दिस इज माय गुलाब जामुन का आटा, इधर देखो ये बना है। और ये मेरी सूजी रोस्ट हो रही है, दिख नहीं रहा, हालत पंचर है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, अभी से इतनी गर्मी है, आगे क्या होगा। 32 डिग्री, 36 डिग्री, अभी देखा मैंने 36, अभी जल्दी चार और बढ़ी। 36 डिग्री टेम्परेचर अभी चल रहा है, जबकि अभी 29 या 20 मार्च का मिड वीक, हाँ मार्च के बीच का भी मौसम चल मंथ चल रहा है, मौसम चल रहा है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और हम लगे हुए हैं लाइक अ प्रो। गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको सूजी को लेना है, आपके पास कुछ चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, आपके पास गैस होनी चाहिए जलाने के लिए, लाइटर या माचिस जो भी हो कुछ होना चाहिए, कढ़ाई होनी चाहिए, सूजी होनी चाहिए, सूजी को ऐसे रोस्ट करना है और रोस्ट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ब्राउन ना, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, मतलब फ्रेंड्स मैंने जो सूजी रोस्ट करने के चक्कर में थोड़ा सा मैंने जला दी तो ये टुकड़े ऐसे गिर गए हैं, तो मैंने इसको ऐसे 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 करके निकाल लिया है, अभी भी कुछ इसमें है बट कोई नहीं, फर्स्ट टाइम यार, थोड़ा बहुत तो होगा ही। फर्स्ट टाइम बना रहा फ्रेंड्स, मेरी सूजी फिर से जल गई, मेरी सूजी फिर से जल गई, कहाँ से आया सारी जला यार, ये पता नहीं कैसे जल जाती है। ये देखो क्या क्या करना पड़ रहा है यार, देख रही है क्या कर रही हूँ मैं। सी फ्रेंड्स, अगर आपकी भी सूजी ऐसे जल जाए ना तो ऐसे कुछ करके निकाल लो। यार ये क्या हो रहा है यार, मतलब क्यों जल रही है ये, मेरे समझ नहीं आ रहा, स्लो उस पर करने के बाद भी आई थिंक ये कढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा मुर्गी की गलती कढ़ाई में नहीं करने हो, ये क्या हो रहा है, ये वाह ये होता शेफ, इसे कहते हैं ब्लॉगर। एक बड़ा लोचा हो गया। ये जलती जा रही है, ये गोल्डन ब्राउन हो गया, काली होती जा रही है। नहीं ठीक है, ठीक नहीं है वो, तुमने छुपाया है ना, उसमें थाल इसलिए निकाला उसे, मैंने छुपाया है, मैं आपको दिखाती हूँ छुपा। ये देखिए जितना छान दो ना कैसे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो सूजी तो जली हुई है, इसको हम, मेरे को भाभी ने बोला कि इसको जल्दी से छान लो, फिर जो जला हुआ है वो निकल जाएगा, जो बचेगा वो स्टफिंग में काम आएगा। इतनी बड़ी बात करी, हुआ हमारी शक्लें देखो, मतलब आपकी देखो, मेरी तो सही, आपकी देखो पसीनेदार।
तो मैंने काम भी तो किया भाई, इतना काम किया है। मैं ये देखो गुलाब जामुन का आटा, ऐसे कौन मारता है? मैं मार प्यार से सॉफ्ट अच्छे से प्यार से करते हैं। अभी कर तो मैंने पटकने को नहीं बोला था, मैंने इसको बोला कि उसको ऐसे ऐसे करते रहो, सॉफ्टनेस बनी रहनी चाहिए। बट चीनी उसके साथ क्या कर रही है मुझे भी नहीं पता, उस आटे की क्या बनेगा भगवान जाने। गुलाब जामुन बनाया था हमने, फिंगर क्रॉस किया था कुछ तो बना तो तब तक मैं इसको छान के सही करती हूँ। भाभी मम्मी पहले डालो वापस सारा यार। मम्मी छन्नी यार सूजी गर्म होने की वजह से मेरी छन्नी तुमने गुजिया क्या बनाई है? अनार जला दिया, फाड़ दिया। इसलिए गरम माना नहीं डाल रहा। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं इतनी हड़बड़ी में थी कि मैंने इसको डाल दिया। गुजिया बनने की तारीफ तो हो ना हो, बैंड तुम्हें बजने वाली है और उस बैंड पे सारे भांगड़ा करेंगे। तो मैं ये पहले कचरा जो मैंने किया उसको समेटती हूँ, तो फिर आपसे बात करती हूँ। अपनी कढ़ाई गर्म होने देंगे। अच्छे जो हमारे गुलाब जामुन की प्रोसेस है वो हम फिर से शुरू कर रहे हैं। हमारा आटा सॉफ्ट सॉफ्ट हो चुका है, मतलब है। अब हम इनकी बनाएंगे छोटी छोटी गोलियाँ और वो बॉल्स बना बना के हम इसमें डालेंगे। तो अभी हम इसको से गर्म हो चुका है और हम फटाफट से जो गुलाब जामुन की बॉल्स है वो बना बना के अपने ऑयल में डाल रहे हैं और उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। तो चलिए फ्राई करते हैं अपनी गुलाब जामुन। सच में आज मैंने कांड किए है ना, मतलब सूजी मैंने जलाई, फिर छानने के चक्कर में मैंने चलनी भी जला दी जो हमारी। आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस, बिकॉज ये ब्लॉग कल जाएगा तो कल तो होली आ ही चुकी होगी। सो हैप्पी। ये कैमरा कुछ सही तो जा रहा है ना? हाँ सही जा रहा है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। उधर कहाँ जा रहे हो? Where is my camera? दिख रहा है, दिख रहा है।
दिखा रहे हो? ये सारे ब्लॉगर जितने प्रोफेशनल होते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। तो अब मैं एक प्रोफेशनल ब्लॉगर की तरह प्रिटेंड करने वाली हूँ। टोपी पहन लो, शेफ भी बन जाओ। और रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो प्लीज मत मांगना। ओह माय गॉड, गुलाब जामुन एक लौटती ऐसी चीज है जो जल जाए तो काला जाम, ना जले तो गुलाब जामुन। Hi friends, how are you all? I hope that you all are doing well and wishing you all a very 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 happy Holi, because ये vlog जब online होगा तब तक होली आ चुकी होगी। आप सब होली celebrate कर रहे होंगे, so आप सभी को wish you a very happy Holi and आज होली का दहन है, आपको उसके भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। सो जैसे कि आपने देखा हमारे गुलाब जामुन जो है वो बन चुके हैं एंड टच वुड बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। एंड सी आ गई मिनी। मिनी गुलाब जामुन कैसे थे? दिख रही है, दिख रही है, डोंट वरी मिनी। रसगुल्ले कैसे थे? अच्छे थे ना, टेस्टी थे ना। फिलहाल हमारा जो पहला मिशन था, मिशन रसगुल्ला, वो सक्सेसफुल हो चुका है। मिशन गुलाब जामुन सक्सेसफुल हो चुका है और अब है दूसरे मिशन की बारी, और वो है सबसे खतरनाक मिशन, गुजिया, जो हम पहली बार ही ट्राई कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि मैं और भाभी फर्स्ट टाइम खुद से ट्राई कर रहे हैं। हर बार माँ होती, लास्ट टाइम माँ थी तो उन्होंने स्टफिंग वगैरह रेडी कर दिया था, बट इस टाइम माँ बाहर हैं, वो आ जाएंगी, आ रही होंगी। और सो बट लेट हो जाता है, इसलिए हमने तैयारियाँ शुरू कर दी और बस देखते हैं क्या बनता है। एंड स्टफिंग बहुत अच्छी है, हमने टेस्ट किया है। सो ये रही हमारी स्टफिंग, इतनी टेस्टी है। तो मेरे को ऐसे खोया खाना पसंद नहीं है, खोआ खोया जो भी बोलते हैं वो, मावा बोल लो, वो मेरे को पसंद नहीं है। तो मैंने ऐसे टेस्ट नहीं किया है, बट सबने बोला सही है तो फिर सही है। तो अभी हम होली का हैंगओवर हो गया मेरे को, अभी हम गुजिया की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत टाइम लगता है, सबको पता ही है। तो जो छोटे छोटे बच्चे निकलते रहते हैं उसके, वो हाँ जब वो बनाते हैं ना तो छोटे छोटे निकलते हैं ना उसके, अच्छा साइड से तो वो बढ़ता ही रहता है। तो ठीक है, अभी हम बहुत ज़्यादा बात करूँगी तो बहुत लेट हो जाऊँगी। सो हम शुरू करते हैं। और भाभी फिलहाल जो नमक पारे होते हैं, मट्ठी होती है, उनकी तैयारी कर रही है, उनका आटा वगैरह मार रही है। तो चलिए हम अपना तक गुजिया थोड़ा बहुत जो खराब कर सकते हैं करते हैं, ट्राई करते हैं। अगर आपकी गुजिया बनाए तो गीले कपड़े का इस्तेमाल करें।
सही का मतलब कपड़े को गीला करके इस्तेमाल कर रही हूँ। सही का तो अब शेफ आ चुके हैं मगर फिर भी क्योंकि अभी हमारे शेफ थोड़े से थके हुए हैं, इनके हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, इनके बाइसेप्स बहुत जम रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा कसरत की हुई है, इन्होंने बहुत आटा मारा है, बहुत ज्यादा मारा है इनफैक्ट पूरी इसका देन मट्ठी एंड नमक पारी सबका, तो भी हम इन्हें थोड़ा सा रेस्ट देंगे। 3.5 किलो मैदा इन्होंने अकेले मारा है। मेरे को सिर्फ गुलाब जामुन के आटे में मेरी बैंड बज गई थी, मैंने कैसे मारा था, मतलब ये सब मेरे इतने पेन हो रहे थे भाई, जो भी करता है सही कहते हो आप रोगी। अब रियलाइज हो रहा है कि हमारी मम्मी अभी ये प्रेजेंट करते हैं, हम सिर्फ उसको सारी स्टफिंग फील करने में ही हम थक जाते थे, ऐसा बैठते थे करे हड्डियां दोनों हम सिर्फ भरने में थक जाते थे, सोचो सिर्फ उसकी स्टफिंग में थक जाते थे। मैं भी तो इतना टाइम लगा था माता दोनों खा के रख दी। इंसान खाते हैं, जानवर भी साथ खाते होंगे, ला दो ना मशीन। सो फ्रेंड्स आई एम रियली 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 सॉरी बिकॉज एक्चुअली मेरा मूड ऑफ हो गया था बिकॉज मेरा जो फ़ोन है ना वो लास्ट मिनट पे इंटरनल स्टोरेज फुल आ की नोटिफिकेशन आ गई थी, तो मैं वीडियो कंप्लीट ही नहीं कर पाई। जी हाँ, मेरे ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई मैं, मुझे बीच में ही रोकना पड़ गया। सो अगर आपको वीडियो इनकम्प्लीट लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी। एंड येस आई होप कि आपकी होली बहुत अच्छी रही होगी, बहुत अच्छे से गई होगी, आपने बहुत मस्ती की होगी। सो अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। और या अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो बाय।